हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको इसमें कोरलडो के एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, हमें कुछ भी डिज़ाइनिंग करना होता है अपने कोरलडो सॉफ्टवेयर में, और उसमें कुछ टेक्स है जो हिंदी में टाइप करना पड़ता है हमें, और उसमें टाइपिंग करते करते उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो ऑटोमेटिक ही हम सही टाइप करते हैं और वो गलत हो जाते हैं। तो उनको हम कैसे सही करें, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें, जैसे कि मैं आपको दोस्तों कोरलडो ओपन करके दिखा देता हूं और कुछ एक दो एग्जांपल भी आपको मैं दिखा देता हूं सामने, जैसे कि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसे कि ये हमारी वर्कशीट है, इस पर हमें कुछ भी डिज़ाइन बनाना है। अगर कैसे कि कुछ भी हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमें एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, जिसका साइज़ मैं इसमें आपको दे देता हूँ। अब विजिटिंग कार्ड बनाना है, विजिटिंग कार्ड जैसे कि हमें बनाना है, और इसमें हम जो भी डिज़ाइन है वो प्रॉपरली हम अभी कुछ रैंडमली ही कुछ बना देते हैं। और दोस्तों, इसको जैसे कि हमें इसमें कुछ टेक्स्ट है जो टाइप करना है, जैसे फर्म का है या किसी शॉप का है, तो इसमें सिंपली हम जैसे टाइप करेंगे, F8 की मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। F8 से हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, और हिंदी का जो फॉन्ट है हम वो यहाँ से ले लेंगे। कुर्तिदेव का कुछ भी, कोई भी आप ले सकते हैं, मैं 06 ले लेता हूँ। इसमें हम जैसे कि दोस्तों, वो जो भी हम जैसे हिंदी में किसी का विजिटिंग कार्ड बनाना है, उसमें उसका नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखेंगे, पता वगैरह, तो जो भी हम इसमें टाइप करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, इसमें जैसे कि हमें किसी का एड्रेस लिखना है या स्थान लिखना है, जैसे कि मैं इसमें टाइप करूँगा यहाँ पर, जैसे कि मैं स्थान टाइप कर देता हूँ, स्थान। इसमें जैसे ही मैं इंटर मारूँगा तो आप इसमें देख रहे हैं ये मैंने सही टाइप किया था, और इंटर मारते ही ये गलत हो गया है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें गलत आते हैं, तो उनको हम कैसे ठीक कर पाएंगे। जैसे कि मैं इसमें किसी का नाम लिख देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ सलमान। जैसे ही मैंने इंटर स्पेस मारा, तो इसमें आप देख पा रहे हो आगे जो मैंने पूरा साल लिखा था वो आधा हो गया ऑटोमेटिकली, और इसमें मैं लिखना चाहता हूँ शाहरुख, तो ये वाला सा जो है आप देख रहे हो दोस्तों सही आ रहा है। लेकिन जो ये सा होता है, ये वाला, वो हम प्रेस करते हैं तो उसकी जगह ये डब्बे डब्बे से बने आते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो डब्बे डब्बे बने आ रहे हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो ये वापस आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें काम करते में बहुत प्रॉब्लम करती है, और जो हमारी वर्किंग स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। जैसे कि मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे टाइप करना है, जैसे मैं टाइप करता हूँ अपना नाम ही ले देता हूँ, जैसे कि मैं सतीश नाम है मेरा, मैं टाइप करता हूँ उसको। टाइप करने के बाद मैं जैसे ही स्पेस मारता हूँ तो उसमें मेरे आगे का जो वर्ड है वो आधा हो जाता है। उसके बाद और भी मैं आगे टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ मनीष, तो आधा जो सा होता है उसको मैंने टाइप किया, लेकिन वो उसकी जगह एक रेक्टेंगल आ गया है। तो अगर इसमें सिंपली कंट्रोल जेड करूँगा तो वो वापस आ जाएगा वहीं पर। लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमें काम करने में बहुत प्रॉब्लम करती हैं, और हमारी जो वर्किंग स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमें कैसे सॉर्ट आउट करनी है, इसके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है। जैसे कि हम अगर कुछ चीज़ इंग्लिश में टाइप करते हैं तो उनमें हमें देखने मिलेगा कि उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाता है। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ स्कूल, अभी मैंने पूरा स्मॉल में टाइप किया है, लेकिन जैसे ही मैं स्पेस मारूँगा तो उसका आगे का जो वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा। देखिए इसका जो कैपिटल हो गया आगे का वर्ड। ऐसे ही मैं किसी का नाम टाइप करता हूँ, जैसे राहुल किया मैंने, तो उसका स्पेस मारूँगा तो इसका आगे आर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमें इंग्लिश में अगर हम टाइप करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाता है। लेकिन अगर हम हिंदी में टाइप करते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, और अगर कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते तो वो जो हमारे विजिटिंग कार्ड हैं, जैसे कि हज़ारों में निकलने होते हैं किसी कस्टमर के, तो पूरे के पूरे विजिटिंग कार्ड ख़राब हो जाते हैं, या कुछ ब्रोशर हैं, पैम्फलेट्स हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है उस जगह में, तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक सॉल्यूशन बता दूँ। जैसे कि हमें इनको सही करना है तो हमें यहाँ सिंपली इस टूल पर जाना होगा। टूल पर जाने के बाद हमें कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना होगा। कस्टमाइजेशन पर क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, तो उस पर सिंपली आपको नीचे ये टैक्स है इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप सिंपली इस पर क्विक करेक्ट है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आप सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर एक कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, इसको आप अनटिक कर दीजिए तो ये आपका सिंपली जो प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। बाकी अगर फिर भी आपको ये दिक्कत आती है कि कैपिटलाइजेशन हो रहा है या वर्ड है ऑटो करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप ये ऑप्शन देख पा रहे हो, इनको आप अनचेक कर दीजिएगा, जैसे कि ये करेक्ट टू इनिशियल कॉन्स्टेंटिव कैपिटल्स, ये सब जो भी लिखा आ रहा है इनको आप अनचेक करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो हमें आगे से नहीं आएगी। तो अभी मैं इसको सिंपली इसी को अनचेक करता हूँ और ओके करके मैं अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई मैं आगे टाइप करके देख लेता हूँ। तो जैसे कि मैं इसी में टाइप करता हूँ, स्थान लिखा था हमने ये, तो इसको मैं टाइप करता हूँ मैंने ये स्थान लिखा और उसको सिंपली स्पेस मारूंगा, तो ये देख रहे हो आप दोस्तों अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो आप सिंपली वापस से टूल में जाएंगे, टूल में जाने के बाद कस्टमाइजेशन और टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके क्विक करेक्ट पे आप ये जो भी ऑप्शन है इनको आपको सभी को यहाँ से हटा देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इसको सिंपली एक बार फिर से टैप करके देख लीजिएगा, उसके बाद आप स्पेस मारोगे तो देखिए दोस्तों अब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सॉर्ट आउट हो चुकी है। बाकी मैं और भी टाइप करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं नाम टाइप करता हूँ सलमान, जैसे मैंने आपको अपना भी नाम टाइप करके दिखाया था, जैसे कि मैं अपना नाम टाइप करता हूँ सतीश, और जो सा की प्रॉब्लम थी जो जैसे मैंने आपको बताया मनीष नाम लिखना है मुझे मनीष, तो देखो दोस्तों ये अब प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। और दोस्तों जैसे कि इंग्लिश में जो हम टाइप कर रहे थे, जैसे कि स्कूल टाइप किया था हमने, स्कूल टाइप करने के बाद हम इसको जैसे ही स्पेस देते थे इसका फर्स्ट लेटर है कैपिटल हो जाता था, लेकिन अब वो कैपिटल नहीं होगा, तो अगर हमें वो कैपिटल करना है तो हमें पहले से ही उसको कैपिटल टाइप करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको स्पेस मारेंगे तो देखिए दोस्तों ये कैपिटल नहीं हुआ है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी जो सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो दोस्तों आप ये सब सेटिंग्स हैं वो अपने कोरेलो सॉफ्टवेयर में कर लीजिएगा, जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं बार बार फेस नहीं करनी पड़ेंगी और जिससे कि हम अपना नुकसान उतने से बचा सकते हैं, जैसे कि पैम्पलेट्स हैं ब्रोशर हैं जो भी हम डिज़ाइन करते हैं, तो वो अगर उनमें कोई भी एक चीज़ है जो हमसे करेक्शन करने से रह गई है या चेक करने से तो हमारा काफ़ी नुकसान होने से बच सकता है। तो दोस्तों ये सब आप सेटिंग्स अपने कोरेलो सॉफ्टवेयर में कीजिए और जिससे भी हमारी स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनके भी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। तो दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ तो अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे और भी ऐसी टेक्निकल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।